अभी हम मौजूद है कोलकाता के सियालदा के निकटवर्ती ब्रिज के वहाँ, जिसका नाम विद्यापति सेतु है। आज KMD एवं KMC के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो ब्रिज की अवस्था है और जो ब्रिज बहुत ही डेंजर अवस्था में अभी पाया गया है, उसको सर्वे करने के बाद में जल्द से जल्द यहाँ पर जो स्थानीय निवासी एवं स्थानीय दुकानदार है उनको स्थानांतरित कर कुछ ही दिनों में यहाँ से उनको स्थानांतरित कर दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाएगा एवं जल्द से जल्द ब्रिज का पुनर्निर्माण कर इसे वापस तंदुरुस्त किया जाएगा। इसी में वक्तव्य देते हुए कुछ अधिकारियों ने हमारे संग कुछ बातचीत की, आइए सुनते हैं। मौजूद है KMC और KMDA का इंजीनियर्स है, काउंसिलर मैडम है, बाजार एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो है और शॉपकीपर्स है। ये जो सेतु है ना, इसका हाल तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत साल पुराना है, इसका तो रिनोवेशन करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रोग्राम किया, अभी सर्वे होगा जो कितना दुकान है पायर के पास, कितना दुकान के रिहेबिलेट करना पड़ेगा टेम्पोरेली, और काम होने के बाद उसको फिर हाँ समय लगेगा, ये फेज बाय फेज होगा, एक साथ पूरा नहीं होगा, ये पूरा बाय हाँ जल्दी शुरू हो जाएगा। वो KMDA बोल सकेगा, लेकिन जो काम तो KMDA करेगा ना, हम नहीं। আজকে প্রাথমিকভাবে আজকের সার্ভে করতে এসেছে, বেসিক্যালি এই যে আমাদের বিদ্যাসাগর সেতু আছে এটা একটু উইকেন্ড হয়েছে, সেটা ইঞ্জিনিয়ার KMDA বলেছে। তো ওটাকে কিভাবে আরও ভালো করে ওটাকে রাখা যায় এটারই পরিকল্পনা করে আজকে এই মিটিংটা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে KMDA-র আধিকারিকরা রয়েছে, এখানে কর্পোরেশনের আধিকারিকরা রয়েছে, সার্ভে ডিপার্টমেন্ট আছে, সবাই রয়েছে। মিলিতভাবে জয়েন্টলি কিভাবে এটা সুষ্ঠুভাবে এটাকে সাকসেসফুল করা যায় এটাই আমাদের প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আর অবশ্যই মার্কেটে যারা যারা পদাধিকারী আছে তারাও এক্সিস্টেন্স রয়েছে, তাদের সমস্যা তারা কিভাবে আমাদেরকে কোঅর্ডিনেশন করবে হেল্প করার জন্য সেটা নিয়ে কথা বলবে। শোন, আজকে এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা হবে, এখন আমরা যেটা নিয়ে প্রাথমিক যেটা আমরা কাজ করতে এসেছি সেটা আগে মনোযোগ। জেসে কি আপনি শোনা, জলদি সে জলদ ইয়া ব্রিজ কা কাম জলদি সে জলদ হোনে ওয়ালা হে এবং यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये ब्रिज का काम संपूर्ण रूप से सुरक्षा के माध्यम से कर लिया जाएगा एवं जिन यहाँ पे जो भी हॉकर यूनियन है उनसे बात कर जल्द से जल्द ये काम खत्म कर उनको वापस से शिफ्टिंग दी जाएगी एवं आम पब्लिक को लिए ये ब्रिज वापस से खोल दिया जाएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रतन, कोलकाता।